साद रिजवी को रिहा नहीं किया जाएगा, पुलिस को मारने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी सलामती कमेटी इजलास में दो टोक मौकिफ, वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब करेंगे, सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। बैंकिंग कोर्ट में शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का मामला, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी, अत्तारर की अदालत के बाहर हुकूमत पर तनकीद। कहा FIA के झूठे केस को एक साल हो गया, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही, नैब को सुबकी का सामना करना पड़ा, धेले की करप्शन भी साबित ना हुई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर दाम तोड़ने लगी, एक दिन में मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए, मजमू अमवात 28,441 हो गई, 658 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 1.44% रही। चार सदा में कबूतरों के तनाजे पर बच्चे का कत्ल, मुलजिम ने खुद को घर में बंद कर लिया, मुश्तैल अफराद ने घर को आग लगा दी, मुलजिम और उसकी वालदा को छत से नीचे आग में फेंक दिया, मुलजिम जान से गया, मां शदीद जख्मी। वजीर कानून शहरियों को कंट्रोल ना कर सके, मुजाहरीन का पथराव, SHO जख्मी, मुतादिद अफराद जेर हिरासत। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में पंप पर धमाका, चार अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। DIG वेस्ट और बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका इलेक्ट्रिक रूम में गैस भरने से हुआ, धमाके की जगह बारूद की बू मौजूद नहीं। नस्ला टावर गिराने का मामला, दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने डेटोनेशन से इंकार कर दिया, दरख्वास्त गुजारों का मैनुअल डेमोलेशन के लिए राबता, कमिश्नर कराची की बनाई गई कमेटी सबसे मौजूद कंपनी का इंतखाब करेगी। और बल्ले को बंदूक बनाया, छक्कों की फायरिंग कर दी, आसिफ अली की धुआंधार बैटिंग, एक ओवर में 4 छक्के 7 गेंदों पर 25 रन, अफगानिस्तान के ख्वाब चकनाचूर हो गए, ग्रीन शर्ट्स ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया, कप्तान बाबर आजम के 51 और फखर जमान के 30 रन, जीत पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न।